आफरीन, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने सब्ज़ी को इस तरह से काटा और हमने कुकर में 4 बड़े चम्मच से तेल डाल दिए हैं और हमने सब्ज़ी को बरबट्टी को इस तरह से काट लिया, आलू को भी और 3 प्याज को काटा। तो चलिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। हमने तेल थोड़ा कम डाला है तो फिर हमने ऊपर से और भी तेल थोड़ा डाल दिया, इसलिए सब्ज़ी में थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है। इस वजह से हमने तेल थोड़ा ज़्यादा डाला है। तेल हमारा गर्म हो गया तो हम उसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल दिए। जीरा के बाद हमने 3 प्याज को इस तरह से रफली चॉप कर लिए थे उससे डाल दिए। 2 हरी मिर्च को हमने इस तरह से काट कर डाल दिए। 2 लाल मिर्च डाल दिए। आधा छोटी चम्मच हमने अदरक लहसुन के पेस्ट डाल दिए। हम प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करेंगे फ्रेंड। और कुछ हमने कड़ी पत्ते डाल दिए और 4-5 हमने काजू और 2 बादाम डाल दिए। हम इसे मिक्सी जार में निकाल लेंगे फ्रेंड और इसका एक बेहतरीन पेस्ट बना लेंगे। और उसी कुकर में हमने आलू डाल दिए, सारे आलू डाल दिए। और फिर हमने बरबट्टी डाल दिए। अब उस पर से हमने 1 चम्मच आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा गोल मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच जीरा गोल मिर्च का पाउडर, टेस्ट के मुताबिक नमक, ये है सेना नमक। हम मसाले के संग इन सब्जियों को भूनेंगे। आधा लेमू निचोड़ कर डाल देंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला के संग सब्जी भुना रहा। बैंगन को काट कर हमने डाल दिया। हमने उठाकर सब्जी को सूंघा है कि महक रहा या नहीं। मसाला इसका भुना गया है। देखिए फ्रेंड, नीचे में एकदम कुछ भी पानी वगैरह नहीं रह गया है। तो हमारा मसाला भुन गया है, हमारा सब्जी भुना गया है। अब इसमें हम जो पेस्ट पीस कर रखे थे ना फ्रेंड, वही डाल दे रहे हैं। सारे पेस्ट को हम डाल देंगे, जार धो कर भी डाल देंगे पानी। जार धोकर डाल देंगे। और हम चला देंगे इस तरह से। फिर हम ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 सीटी ही लगने देंगे। ऐसे हम
हम बंद कर देंगे गैस को और इस तरह से सर्विंग बोल में निकाल देंगे। फ्रेंड हमारा सब्जी इतना बेहतरीन बना था ना फ्रेंड, आप भी इस तरह से बनाइएगा। लटपटा हमने सिरवा वाला नहीं बनाया ग्रेवी, हमने पतला सिरवा नहीं किया है, इस तरह से हमने लटपट रखा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड। एक चम्मच हम इस पर मक्खन डाल देंगे फ्रेंड, ये है मक्खन। और हम कुछ धनिया डाल देंगे। खुदा हाफिज़।